सो वेलकम 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 स्वागत है आप सबका

जो भी डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एडिक्वेट होने चाहिए अब सर ये ऐसे ये क्या सिखाता है ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन यूज करके आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया जो इंफॉर्मेशन यूज करके आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया ये बार बार चेंज होती रहती है फॉर एग्जाम्पल मान लो कोर्ट की हियरिंग हुई इसके बेसिस से मैंने पेनल्टी का प्रोविजन बनाया अब कोर्ट की सेकंड हियरिंग हुई तो उसमें डिफरेंट जजमेंट आई तो बार बार कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट देता है तो सर क्या होता है इसकी वजह से एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी आ जाती है

अब हमने एक एक्साम्पल डिस्कस करे ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट जहां पे लो अनसर्टेनिटी है यानी गलती होने के चांसेस कम है यानी और एक्चुअल सेम सेम रहेंगे सबसे पहला कौन सा एग्जाम्पल था ये कहता है वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जिनका डेटा रेडिली अवेलेबल है इसको आप 113 में पढ़ते हो ऑब्जर्वेबल इनपुट जो आपके लेवल वन वाले इनपुट होते हैं स्पेशली फॉर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एग्जाम्पल के तौर पर जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में पब्लिड है या आप अगर किसी शेयर की फेयर वैल्यू निकाल रहे हो जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका आप स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस उठा सकते हो दिस इज कॉल्ड वॉट दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड योर डेटा इज रेडिली अवेलेबल अब डेटा के ऊपर जो आपने मैथड लगाया है फॉर कैलकुलेटिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इट कैन बी अपलाइड इजिली फॉर दैट एसिट और लाइबिलिटी एग्जाम्पल अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने तो मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज करी सो इट इज अ वेरी इजी मैथड तीसरा कहता है जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये आप रोज रोज बनाते हो रोज रोज बनाते हो यानी इट इट इज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड बाय द अकाउंट्स टीम बिकॉज रिलेट्स टू रूटीन ट्रांजेक्शन एक्साम्पल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी प्रोविजन बनाया फॉर टेलीकॉम एक्सपेंस तो अब टेलीकॉम एक्सपेंस जो मेरा फोन का बिल है वो तो हर महीने आता है और ये फिक्स्ड बिल है हजार प्लस जीएसटी का आएगा तो क्या इस अकाउंटिंग एस्टीमेट में कुछ गलती होने के चांसेस हैं नहीं सर इसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी है जो आपने मॉडल यूज किया

अब सर इनको याद कैसे रखना है मैंने कहा बड़ा सिंपल है याद रखो विद मैगी 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 जो मैगी है इसमें भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम रहती है गलती होने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं कोई भी इंसान मैगी बनाए अच्छी ही बनाता है तो मैगी के केस में सर क्या होता है यही सारे पॉइंट्स होते हैं डेटा इज रेडिली अवेलेबल जैसी मैगी का पैकेट का घुमाओगे तो आपके सामने पूरी की पूरी विधि लिखी और लिखी होती है तो डेटा इज रेडिली अवेलेबल दूसरा मैगी बनाना आसान है द मैथड इज वेरी सिंपल एंड कैन बी अप्लाइड इजिली तीसरा क्या था सर तीसरा है सिंपल है मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है यानी द बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स अब इन चीजों की वजह से मैगी रोज रोज बनती है बार बार बनती है आप उसमें चेंजेस भी करते रहते हो कभी कुछ डाल देते हो कभी कुछ डाल देते हो यानी इट इज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड एंड आखिरी में सर क्या बोलेंगे इन्हीं सब अच्छी बातों की वजह से इट इज वेल नोन एंड सबको पसंद आती है इट इज वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड अब मैगी की जगह वर्ड यूज कर लेना मॉडल मॉडल इज वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड तो यही सवाल आपका आया था नवंबर 19 नवंबर 19 के ओल्ड सिलेबस में तो प्लीज इसको अच्छे से हम कवर करके चलेंगे अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है एस्टीमेट्स जो है उनमें क्या है हाई एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी है तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी कौन से इंसान में है मित्रों आज रात 8 बजे से संपूर्ण भारत में क्या होगा सर लॉकडाउन लगने वाला है या आज रात 12 बजे से 500 और हजार के नोट टाटा बाय बाय तो मैंने कहा सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है मोदी जी में मोदी जी का क्या मतलब है एम ओ का मतलब है मॉडल ऐसा मॉडल जहां पे ये वेल वेल मॉडल नहीं है सबके लिए अवेलेबल मॉडल नहीं है दिस इज स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल दिस इज अली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल सर ओ का क्या मतलब था ओ का मतलब था आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन क्या जो लिटिगेशन है केस है उसका आउटकम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी या कोर्ट डिसाइड करेगा कोर्ट डिसाइड करेगी जजमेंट डिसाइड करेगी एंड डी का मतलब था ऐसे डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्यूचर्स ऑप्शन जो पब्लिकली ट्रेड नहीं होते अगर पब्लिकली ट्रेड होते तो हम तो स्टॉक एक्सचेंज से प्राइस देख लेते क्योंकि ये पब्लिकली ट्रेड नहीं होते तो इनके एस्टिमेट्स में गलतियां हो सकती है तो तीन पॉइंट याद रखेंगे मॉडर्न

ऐसे कोर्ट केसेस जहां पे आपको पेनल्टीज देनी पड़ सकती है और कॉस्ट फिर इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको लगता है पैसे नहीं मिलेंगे जैसे बिटकॉइन तो बिटकॉइन जैसी इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको अनसर्टेनिटी पैसा आप रिकवर कर पाओगे कि नहीं तो वहां पर भी आप प्रोविजन बना रख सकते हो फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट में तो कुछ नहीं था इंड एएस का गेम था सारा का सारा इंड एस का गेम था इंड एस वन से चलना वन जीरो टू नहीं होता वन

रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो इसमें हम क्या करते हैं चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है सर क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है फिर इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो अकाउंटिंग एस्टिमेट हैं मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है वो सिचुएशंस सिचुएशन मतलब टीईसी ट्रांजेक्शन इवेंट्स और कंडीशन जिनकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट बनेगा हमें कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट कैसे करती है हमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी ओ तो एक तो पांच नंबर का क्वेश्चन यही बनता है हम मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी करेंगे तो चलो यही पूछ लेते हैं हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे सबसे पहले ट्रांजेक्शन के ऊपर फिर इवेंट्स एंड कंडीशन के ऊपर ट्रांजेक्शन के ऊपर ये इंक्वायरी होगी क्या मैनेजमेंट ने कोई नई ट्रांजेक्शन से कोई नया अकाउंटिंग एस्टिमेट बनेगा या जो पुरानी ट्रांजेक्शन थी उनके कोई टर्म्स तो चेंज नहीं हो गए विच गिव राइज टू अव और रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट तो ट्रांजेक्शन वाले दो पॉइंट न्यू ट्रांजेक्शन या जो पुरानी ट्रांजेक्शन थी उनके टर्म्स चेंज हो गए अब सर क्या थे इवेंट्स और कंडीशन क्या कोई नया इवेंट और कंडीशन हुआ विच गिव राइज टू न्यू और रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट इट और नॉट इट सर अब इसके बाद के दो पॉइंट क्या थे आपके रेगुलेशन चेंज हो गए आपकी रेगुलेशन चेंज हो गई तो अकाउंटिंग एस्टिमेट भी चेंज होगा यानी अगर देर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी

जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ग्रेचुटी लाइबिलिटी की वो भी तो एक एस्टीमेट है वो भी तो एक एस्टीमेट है तो वो कैसे बनता था सर हमने देखा था थ्री स्टेप प्रोसेस सबसे पहले होता है डेटा डेटा पे लगता है तड़का अजम्पन एंड मेथड्स का फिर निकलती है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन तो आपने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन और डेटा की बात नहीं करनी सीधा अजम्पन्स और मैथड्स की बात करो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकी अजम्पन क्या है मेथड क्या है क्या मेथड में पिछले साल से कोई चेंज है अगर हाँ तो क्या चेंज है क्यों चेंज किया अब ये सारा काम करता कौन है कोई एक्सपर्ट यूज करता था जिसका नाम होता था मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया अब जब जब वो एक्सपर्ट यूज करती थी उस पर कंट्रोल्स भी एक्सरसाइज होते थे तो वॉट वर द रेलिवेंट कंट्रोल्स तो दीज आर दॉइंट दैट वी कवर्ड

सर हम मिनिमाइज तो कर ही नहीं सकते हम मिनिमाइज तो कर ही नहीं सकते एट मैक्स हम सिर्फ असेस कर सकते बट क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज तो समझ जाना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछ रहा है तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे FRF क्या चाहता है फिर आप देखोगे मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है टीईसी ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन विच गिव राइज टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट फिर एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस समझेंगे उसमें क्या आएंगे मैथड्स चेंज इन द मैथ फिर एक्सपर्ट और कंट्रोल वाले पॉइंट एंड लास्ट में किस तरह से इन्होंने से डील किया इंक्वायरीज वाले पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है अब सर एक बात बताना अगर मुझे कोई ऐसा एरिया मिल जाता है अगर मुझे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन इवेंट और कंडीशन मिल जाता है जिसका अकाउंटिंग एस्टिमेट बनना चाहिए था जिसका अकाउंटिंग एस्टिमेट बनना चाहिए था बट मैनेजमेंट ने नहीं बनाया तो इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सो इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज टीईसी विच नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट फेल हो गई आइडेंटिफाई करने में दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फिर सर इसके बाद यह कहता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अब देखो इसमें क्या करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमको ऑलरेडी पता है दो तरह के होते हैं सर क्या टेस्टिंग वाले टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर बट इसमें सबसे जुगाड़ू तरीका क्या था अगर मुझे मार्च का प्रोविजन चेक करना है तो उसका एक्चुअल खर्चा कब बुक होता है सर उसका एक्चुअल खर्चा बुक होता है अप्रैल में या मई में तो अगर आपको मार्च का प्रोविजन चेक करना है तो सबसे जुगाड़ू तरीका क्या है सबसे कामचोर तरीका क्या है आप इसके केस में सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख लो सो सब्सिक्वेंट इवेंट्स कैन प्रोवाइड यू एविडेंस फॉर द अकाउंटिंग एस्टिमेट फिर आसान तक पॉइंट्स पे आ जाओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर अब एस्टिमेट बनाने में मेन फोकस किस पे जाता है अजम्पन पे और मेथड्स पे तो हम भी इवेल्युएट करेंगे क्या अजम्पन और मेथड जो अजम्शन है क्या वो रीजनेबल है जो मेथड है क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं एंड जब ये सब कर लिया जब ये सब कर लिया और आप टेस्ट कर रहे हो मान लो कोई पेनल्टी का प्रोविजन तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप एज अ ऑडिटर बता दो कि भाई ढाई लाख का प्रोविजन बनना चाहिए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का प्रोविजन बनना चाहिए या फिर आप एक रेंज दे दो कि जो मैनेजमेंट प्रोविजन बनाएगी वो एक लाख से लेकर तीन लाख तक बनाएगी तो यही पॉइंट आईसीए ने लिख रखा है या तो आप डेवलप कर दो एक पॉइंट एस्टीमेट या आप एक रेंज बता दो टू इवेल्युएट द अकाउंटिंग एस्टिमेट चार पॉइंट वापस मेरे को बताएंगे सारे बच्चे सर ऑडिटर्स रिस्पांस टू असेस रिस्क में सबसे पहले आएगा सबसीक्वेंट इवेंट्स फिर आएंगे टीओसी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अब सब्सटेंटिव में भी टेस्ट क्या करेंगे अजम्पशंस और मेथड्स एंड आखिरी में डेवलप करेंगे क्या या तो पॉइंट एस्टीमेट या रेंज टू इवैल्यूएट द अकाउंटिंग एस्टीमेट अब आखिरी दोनों पॉइंट में थोड़ा सा मसाला डालो सर मसाला डाले मतलब जो थर्ड पॉइंट था अजम्पन और मेथड अगर आपके एजम्पन और मेथड डिफरेंट है फ्रॉम द मैनेजमेंट तो आपको मैनेजमेंट की और मैथड्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी यही बात लिख के इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अजम्प्शन एंड देन अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट अजम्प्शन एंड मैथड कि अगर आप रेंज बना रहे हो तो जो रेंज आप बनाओगे वो वाइड रेंज नहीं होनी चाहिए नैरो रेंज होनी चाहिए ये हमारी नैरो रेंज कैसे होगी जो भी एविडेंस अवेलेबल है तो अगर आप ये पेनल्टी का प्रोविजन चेक कर रहे थे तो आप कौन से एविडेंस के बेसिस पे रेंज बना सकते हो सर अगर कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है लॉयर है जिसके हम मदद ले सकते हैं तो उसका ओपिनियन ले, ले लेंगे या कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी कॉपी के बेसिस पे हम इस रेंज को डाउन कर सकते हैं यही सवाल नवंबर 23 में आया था तो ये कहता है सर क्या सबसे पहले तो जो आप एफ आर एफ की रिक्वायरमेंट चेक कर रहे थे तो चेंजेस आर अप्रोप्रिएट अब हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखेंगे टीओसी करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे जो मेथड है वो देखेंगे अप्रोप्रिएट है जो अजम्पशन है वो रीजनेबल है कि नहीं फिर पॉइंट एस्टिमेट या रेंज बना के दे देंगे अब मसाला वाले पॉइंट क्या थे मेथड अगर डिफरेंट है तो चेक करो अंडरस्टैंड करो मैनेजमेंट के और मैथड्स ठीक है सर बट अगर आप रेंज यूज कर रहे हो तो वाइड रेंज नहीं नैरो रेंज यूज करनी है नैरो द रेंज टू सी क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसके केस में आप क्या करोगे जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसके बेस पे आप रेंज को नैरो करके चलो क्या यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं हाँ सर अब सारे बच्चे पानी के दो घूंट लगाओ और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ मेरे साथ नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक सर ये भी का फेवरेट क्वेश्चन है अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट है जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है 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 तो तो ये कहता है, आपने ऐसे 330 वाले तो प्रोसीजर करनी है जो ऊपर मैंने है। इसके साथ साथ आपने इन एडिशन ये सब चीजें भी करनी है अब ये सब चीजें क्या है सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ चार्ट से समझना ये कहता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो तुम करोगे ही करोगे इसके साथ साथ आप फोकस करोगे एंटिटी की अजम्पशन पे कि जो एंटिटी ने अजम्पशन यूज करी उसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे और उन अल्टरनेटिव्स को उसने रिजेक्ट क्यों किया सो हाउ द मैनेजमेंट करी है के लिए हमने क्या चेक करते हैं इंटेंट एंड एबिलिटी इंटेंट एंड एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट यहां पे हमने रेफरेंस ली थी एसे फाइव की सर कैसे लिया था एक बार ध्यान से समझना सारे बच्चे फटाफट आओ फाइव हंड्रेड पे

डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के इंटेंशन पे अब इंटेंशन कैसे चेक करूं पास्ट हिस्ट्री पास्ट में मैनेजमेंट ने कितना बोनस दिया मैनेजमेंट की इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी या रेवेन्यूज बहुत अच्छे थे जो इसको इतना पैसा बांटने का मन है तो आप मैनेजमेंट का इंटेंट देखोगे थ्रू पैरा पास्ट हिस्ट्री रीजन और एबिलिटी इसी से मिलता जुलता पॉइंट हम यहां पर कवर कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ने अजम्स यूज करी हैं वो क्या रीजनेबल हैं अब वो रीजनेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी देख के क्लियर है क्लियर है सर अब लास्ट में अगर आपको लगता है आप उनके एस्टीमेट से खुश नहीं हो एस्टीमेट से खुश नहीं हो यानी आपको लगता है मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी तो फिर आप ही रेंज बना के दे दो आप ही रेंज बना के दे दो और बोल दो अगर इस रेंज में एस्टीमेट होगा तो हम उसको रीजनेबल मानेंगे सो इफ द मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी डेवलप अ रेंज टू इवेलुएट द रीजनेबलनेस ऑफ द एस्टीमेट

आओ आओ ना, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कंसीडर करी है जो अजम्पशन यूज करी क्या वो रीजनेबल है कैसे चेक करें रीजनेबलनेस कंसीडरिंग द इंटेंट एंड एबिलिटी अगर आपको लगता है उन्होंने एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को तो आप रेंज बना के डेवलप करके देखो क्या कह रहे हो सर आप रेंज डेवलप करके दे दो टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट फिर हमने अगला टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था क्या अंडरस्टैंडिंग द अजम्पशन जब भी आप अजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो क्या क्या मैटर्स कंसिडर करने हैं मैंने कहा बड़ा सिंपल है सबसे पहले तो नेचर देख लो सर नेचर किसकी नेचर ऑफ द अजम्पन क्या क्या सिग्निफिकेंट अजम्पन यूज हुई एंड द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सपोर्टिंग द मान लो एचआर की कोई पॉलिसी वगैरह देख ली अब हमने एग्जाम्पल लिया था मान लो ग्रेचुटी की लाइबिलिटी का अब अगर ग्रेचुअली की लाइबिलिटी एक एस्टिमेट है तो उसमें क्या क्या अजम्पन देखी जाती है डेथ रेट रिटायरमेंट रेट और रिटायरमेंट की एज क्या है डेथ रेट क्या रे� है और हम क्या कंसिडर करते हैं डिस्काउंटिंग रेट इंटरेस्ट रेट ये सब हम करते हैं सबसे पहले तो वो रेलिवेंट और कंप्लीट होनी चाहिए सर इंटरनली कंसिस्टेंट मतलब अगर मैंने रिटायरमेंट एज लिया सिक्सटी ईयर तो वो मैनेजमेंट की इंटरनल एच पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए hmm. में कंट्रोल आखिरी में क्या करना है सर कंट्रोल कंट्रोल मैंने कहा का क्या मतलब था आपने देखना है है जो भी है, वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या नहीं वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या नहीं यानी कुछ कंट्रोल में होती हैं सर क्या क्या चीजें कंट्रोल में होती है फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एसिड की यूज लाइफ ले रहा हूं और मुझे पता है मैं बार बार उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता रहूंगा तो वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। बट अगर मैं बात करूं डेथ रेट की मोर्टेलिटी रेट की ठीक है या मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट्स की ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो यही सारी चीजों की बस आपने चलनी है। तो लास्ट बार में बताया तो अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट क्या थे दो पॉइंट तो नेचर वाले हो गए नेचर ऑफ इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अजम्पन एंड नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन तीन पॉइंट थे कंट्रोल वेदर यार इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट और नॉट इसके बाद सर हमने एक छोटा सा क्यूट सा टॉपिक डिस्कस किया था जो आपके आईसीए के स्टडी मटेरियल में तो नहीं है बट कहीं ना कहीं पुरानी प्रैक्टिस मैनुअल में था तो हमने बोला था व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एस्टीमेशन अनसर्टेनिटी तो इसमें आपने बस ध्यान रखना है कहां अनसर्टेनिटी ज्यादा है सर वो इंडियन आइडल का कौन विनर होगा इंडियन आइडल का कौन विनर होगा वो हमको लगता है 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 अनसर्टेन कोई भी जीत सकता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है इसकी जज नेहा कक्कड़ जो बड़ी सेंसिटिव है तो जजमेंट वाला पॉइंट याद रखेंगे सेंसिटिविटी वाला पॉइंट जजमेंट मतलब कितना अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंडेंट है जजमेंट पे सेंसिटिव मतलब सेंसिटिविटी ऑफ द एस्टिमेट टू द

जनरली हम शक्ल देख के बता देते हैं ये जीतने वाला है यानी ऑब्जर्वेबल वो बंदा ऑब्जर्व करके पता चल जाता है ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट टू मेक द अकाउंटिंग एस्टिमेट एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर देना इन केस अगर गलती से इस पे क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू स्कोर थ्री टू फोर मार्क्स इजिली

तो ये कहते रिव्यू द आउटकम ऑफ द काउंटिंग एस्टिमेट और द री एस्टिमेशन ऑफ पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट अब सर मैनेजमेंट बोलेगी तुम पागल हो क्या तुम पागल हो क्या तुम तो सब कुछ ही चेक करने जा रहे हो इस साल के भी चेक करोगे पिछले साल के भी हम तो यही कराते रहे तो उनको बोलो घबराओ मत हम उनको बोलना घबराओ मत गुस्सा मत हो उनको कंफर्ट दे देना कंफर्ट क्या देना है कि हम तुम्हारी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे वी आर नॉट हेयर टू क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट हमको पता है जो आउटकम होता है ऑफ द एस्टिमेट इट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट जो आउटकम होता है इट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट पूछेंगे फिर क्यों कर रहे हो क्यों कर रहे हो रिव्यू तो उनको बोलना हमें एविडेंस चाहिए तीन चीजों को लेके अगर तो आउटकम आ गया है तो हमको पता चल जाएगा इनका एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव है तो उससे पता चल जाएगा करंट पीरियड का प्रोसेस भी कितना इफेक्टिव होगा और दूसरी चीज ये पता चल जाएगी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी है कितना इनका एस्टिमेट और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस होता है और अगर आउटकम नहीं आया तो आपको एविडेंस मिल जाएगा अबाउट द री एस्टिमेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट तो ये तीन चीजें हो जाती हैं साथ ही साथ आपको पॉसिबल मैनेजमेंट बायस के बारे में पता चल सकता है इन द सर्कमस्टेंसेज अगर आपने एक्सरसाइज किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म गॉट द पॉइंट और नॉट येसर यही बातें यहां पे लिख है सर क्या आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट और दबसिक्वेंट री एस्टिमेशन अगर ऑर्डर नहीं आया इसमें आप नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट देखते हो फिर उसका इंपैक्ट देखते हो ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अब मैनेजमेंट को कंफर्ट दे देना सर क्या वी आर नॉट हेयर टू क्वेश्चन योर जजमेंट इन द प्रायर पीरियड वी नो वी अंडरस्टैंड दैट द आउटकम ऑफ एस्टिमेट विल ऑफन भी डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट फिर क्यों कर रहे हो सर एविडेंस के लिए एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस ताकि करंट प्रोसेस की भी इफेक्टिवनेस पता चले इसी तरह से हमको पता चल जाएगी एस्टिमेशन अनिटी कितनी होगी जिसका डिस्कलोजर चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड तीसरी चीज क्या थी सर तीसरी चीज क्या थी अगर आउटकम नहीं आया तो री एस्टिमेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके एविडेंस मिल जाएगा अब लास्ट में सर क्या कहता है अब लास्ट में कहता है कि आपको पता चल सकता है

एस्टिमेट तो कर क्यों रहे हो एविडेंस के लिए अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और री एस्टिमेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड मैनेजमेंट बायसनेस के बारे में पता चल सकता है इफ यू अप्लाई प्रोफेशनल स्कैप्टेजा कम ऑन क्लियर है बॉस क्लियर है सर फिर आए थे दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कलोजर डिस्कलोजर को मैं अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बस याद रखना एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस को डिस्कलोज करना है यानी अजम्पन मैथड चेंज इन मेथड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ये चार पॉइंट हो गए और बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेट अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उस केस में दो आपके डिजर है एज पर दर एफ है एस पर दफ आर एफ है फिर भी हो सकता है ऑडिटर को लगे ये डिस्कलोजर इन एडिक्वेट है तो यह एक अजीब सा पॉइंट रीड करके चलना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा सर वही मेथड और अजम्पन जो आपका मेजरमेंट मेकिंग प्रोसेस है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है जो मेथड है इज इट अप्रोप्रिएट अगर उसमें चेंज है तो क्या वो चेंज ठीक है कि नहीं तो आपने उसकी और देख के चलनी है दो पॉइंट तुम भूल जाओगे लास्ट के दो पॉइंट भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे ऊपर और प्लस टू ऊपर मतलब इसके ऊपर कौन सा टॉपिक था डिस्लोजर तो जो डिस्कलोजर मैनेजमेंट ने दिए हैं आर दे कंप्लीट एंड्रोप्रियट प्लस

ठीक है ठीक है सर सो यूं ही खुशी खुशी मिलाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हैव एन ऑसम डे अहेड हम राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते लगे रहो मित्रों लगे रहो कीप गोइंग ऑल द बेस्ट